जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लगभग 15 से 20 दिनों के इंतजार के बाद बॉलीवुड की अभी तक की दो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फिल्में आने वाली हैं, लेकिन लगभग 55 दिनों के इंतजार के बाद इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली जो कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन से भी ज्यादा सिर्फ हिंदी भाषा से कमाई करने का दम रखती है। हम बात करें फिल्म पुष्पा 2 के बारे में, जो कि इंडियन सिनेमा की अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड और वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड फिल्म बन चुकी है। अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज डेट के बारे में, साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि फिल्म का हाइप कैसा देखा जा रहा है और फिल्म का ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को डायरेक्टर सुकुमार के डायरेक्शन में बनाया गया है, जिसके लीड रोल में हमें सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी दिखाई देने वाली हैं। साथ ही एक्टर फहद फासिल भी हमें फिल्म में नजर आने वाले हैं। अगर बात करें फिल्म के हाइप के बारे में, तो फिल्म का हाइप काफी बेहतरीन देखा जा रहा है। जी, फिल्म का ऐसा हाइप देखा जा रहा है जैसा कि इंडियन सिनेमा में आज तक किसी भी फिल्म का नहीं देखा गया, क्योंकि फिल्म को रिलीज के लगभग 55 दिन पहले ही बुकमाइशो पर लगभग 3,64,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जिससे आप सभी फिल्म के हाइप का अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म का ऐसा हाइप देखा जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में ही फिल्म सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा कमाई कर सकती है। जी हाँ, फिल्म का सभी भाषाओं में काफी बेहतरीन क्रेज देखा जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ही सभी भाषाओं में लगभग 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करने वाली है। लेकिन अगर बात करें फिल्म के ट्रेलर के बारे में, तो बताया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिल्म का रिलीज में अब काफी कम समय बचा हुआ है, जिसके बाद हमें फिल्म का एक दमदार गाना भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में, तो फिल्म के रिलीज डेट में काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फिल्म को एक दिन पहले प्रीपोन किया जा सकता है। जी हाँ, सोर्सेस की माने जाए तो बताया जा रहा है कि फिल्म को 5 दिसंबर के दिन रिलीज किया जा सकता है, और ऐसा किया जा रहा है फिल्म को क्लैश से बचाने के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड की फिल्म छावा भी 6 दिसंबर के दिन रिलीज होने वाली है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि फिल्म को एक दिन पहले रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब भी ये फिल्म आएगी तो इंडियन सिनेमा के सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप सभी को बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, और आप सभी को क्या लगता है ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से कर पाएगी, और क्या फिल्म दंगल जैसी फिल्मों को पीछे करते हुए इंडियन सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बन पाएगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।